नेशनल सेविंग में महाना कितना प्रॉफिट दिया जाता है, या मिज़ान बैंक में महाना कितना प्रॉफिट आप लोगों को मिलता है, उसके अलावा अगर आप नेशनल सेविंग, मिज़ान बैंक और बैंक इन्वेस्टमेंट से हटकर कौन सी ऐसी फील्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं हूँ ताहिर राजपूत बिज़नेस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। सिंपल अगर नेशनल सेविंग की बात की जाए, मेरी एक डीपली रिसर्च है नेशनल सेविंग के ऊपर और मिज़ान बैंक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट और इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक ग्रिप है और खासी मतलब कि टाइम दिया हमने इन चीज़ों को सीखने के लिए। नेशनल सेविंग के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं खासतौर पर जो रिटायर्ड होते हैं या जिनके पास पैसा आ जाता है और वो चाह रहे होते हैं कि भाई कहीं हम सेविंग अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। दिन से चार कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जहाँ पर प्रॉफिट आपको 1% से ज़्यादा दी जाती है, मतलब मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं कि जहाँ आपको जो प्रॉफिट दी जाता है कि वो 1% से ऊपर का। कुछ ऐसे जैसे कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोधा वेलफेयर सर्टिफिकेट, बहबूज सेविंग अकाउंट, ये और ये जो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जहां पे 1.08% के करीब आपको प्रॉफिट रेशियो दी जाती है महाना बेस के ऊपर, और रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट जिसमें 3 माह, 6 माह और 12 माह के सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन ये कुछ स्पेशल पर्सन के लिए, खासतौर पर बहबूज जैसे कि बेवा हजरात के लिए, और अगर मैं बात करूँ शोधा वेलफेयर अकाउंट शोधाज की फैमिलीज के लिए, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इसमें एक आम बंदा फायदा नहीं उठा सकता, उसको फायदा नहीं होता, वो कहां इन्वेस्ट करे जहां उसको अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा सादा अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। इन्फ्लेशन की शरह की अगर बात करूं, महंगाई की शरह मतलब कि महंगाई की शरह पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है और कितनी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रही है, हम इन तमाम चीजों का कंक्लूजन करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी बात आ जाती है मिज़ान बैंक इन्वेस्टमेंट की। मिज़ान बैंक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैंने काफी डीपली वीडियोज बनाई है जिनके अंदर मैंने पूरा आप लोगों को बताया कि अगर आप हाई रिस्क में या लो रिस्क में इन्वेस्ट करते हो तो कितना प्रॉफिट है, और हाई रिस्क के अंदर जितने भी लोगों ने आज तक इन्वेस्टमेंट किए तो प्रॉफिट नहीं बनाया, लॉस ही किया है, तो वो काफ़ी सारी वजूहात आप लोगों के सामने रख देते हैं जिससे ना आपको समझ आती है। ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास हैं जिन्होंने 10 लाख 20 लाख रुपए का लॉस किया है, तो क्या है कि आप लोगों को चीज़ों की समझ ही नहीं होती। फिर क्या है, नेशनल सेविंग में कितने इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, 1 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप मतलब कि बात कहने का मकसद ये है कि अगर आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बैंक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो दूसरा सेक्टर है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट चीजें, वो भी मैं आप लोगों को, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आपको क्यों करना है, देखें अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो वो डीवैल्यू हो रहा है किस तरीके से। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, जो गवर्नमेंट हमारी चेंज होती है, और कंट्रीज के अंदर 7 से 8% का इन्फ्लेशन रेट होता है, 7 से 8% मतलब के महंगाई बढ़ती है पिछले साल की निस्बत। किस तरीके से, जो चीज़ इस साल आपको 10 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की मिल रही है, तो अगले साल आपको 107 रुपए की मिलेगी। लेकिन इस कोविड के आने के बाद पिछले 4 से 5 माह के दौरान जो महंगाई इंक्रीज हुई है वो 30 से 40% इंक्रीज हुई है। मिसाल कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम भी आपकी प्रॉफिट के ऊपर रिटर्न चाहिए 25 से 30% का चाहिए, वो आप ना बैंक्स आपको देंगे, ना नेशनल सेविंग आपको देगी और ना कहीं और से आपको वो रिटर्न मिल सकते, वो आपको एक रेगुलर बिजनेस से मिलेगा या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। किस तरीके से, रियल स्टेट में किस तरीके से इन्वेस्ट किया, देखें पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर प्रोजेक्ट्स भी हैं, 2 नंबर बिल्डर्स भी हैं, 2 नंबर लैंड भी सेल हो जाती है, 2 नंबर कागजात में भी की जा सकती है आप लोगों के लिए। आपको पहचान किस तरीके से करनी है, जब भी आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होती है कि आप मार्केट की रिसर्च ज़रूर करें। मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताते हैं तो मैं इसके ऊपर, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि देखें 2 नंबर चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से उसकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी एक डीपली रिसर्च है। हमारा एक दूसरा चैनल है रियल प्रॉपर्टी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर कंप्लीटली तमाम वीडियोज़ भी देख सकते हैं बिल्डर के एनालिसिस और मार्केट के, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं डिस्कशन करता रहता हूँ। रियल स्टेट के अंदर सबसे पहले अगर आपके पास 20 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है, तो आप सबसे पहले जो प्योरिटी पे बैरियटॉन है, बैरियटॉन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें सबसे पहले कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, अगर आप कमर्शियल नहीं मिल रहा तो फिर रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर लें। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, मेरे पास कम अमाउंट है, तो फिर आप कुछ क्रेडिबल किस्म के मार्केट के अंदर नाम है, जैसे कि चौधरी अब्दुल मजीद के प्रोजेक्ट्स अभी एक मशहूर चल रहा था फैसल टाउन फेज 2 के नाम से, इस तरीके से कुछ ऐसे मशहूर नाम है मार्केट के अंदर जिनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हैं और वो डिलीवर करते हैं लोगों को, तो उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, वहाँ आपको 1-2% प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ 3 से 4 साल में आपको 50% 100% 200% 300% तक का भी गेन मिल जाएगा, क्योंकि
2020 के बाद जिस तरीके से ई कॉमर्स में ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है, इसी तरीके से रियल स्टेट मार्केट के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आई है। उसकी वजह क्या है कि लोगों ने जितनी अमाउंट उनके पास मौजूद थी, लोगों ने वो अमाउंट रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट की है। तो इन वजूहत की बुनियाद के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप क्रेडिबल बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो फिर सबसे जो मेन बिजनेस है जिस मैं अपनी चैनल के ऊपर आप लोगों को बताता रहता हूँ, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप अगर आप अच्छी ग्रिप रखते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि देखें जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ की GDP होती है तो इसी तरीके से डिफरेंट मार्केट्स की वर्थ होती है। जैसे कि क्रिप्टो मार्केट है, उसकी एक वर्थ है। इसी तरीके से जो खास तौर पे मैं बात कर लेता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में $6 ट्रिलियन की मार्केट है, मतलब कि $6 ट्रिलियन की डेली वेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। इसकी मैं मिसाल सादा अल्फाज में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो ऐसे है कि अगर आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, तो वहाँ पर $5 मिलियन की ट्रेड होती है डेली वेजेस के ऊपर, डेली 5 मिलियन की सिर्फ, और यहाँ $6 ट्रिलियन की ट्रेड हो रही है। तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो मार्केट है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर पैसा भी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यहां पे कमा कौन बना सकता है, जो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट के लिए क्या जरूरी है कि आप इस फील्ड को कम से कम 1.5 से 2 साल तक सीखें। कहां से सीख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप लर्निंग कोर्सेज हमारे कर सकते हैं, जिसमें 3 से 4 माह का कोर्स होते हैं और आप प्रॉपरली हमारे साथ अटैचमेंट में रह सकते हैं, जिसमें कुछ प्रीमियम ग्रुप्स हैं हमारे। तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे आप कोऑर्डिनेट करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ $100 की फी पे करके आप करोड़ों रुपए का बिजनेस घर बैठे सीख सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस में आप लोग कुछ अकाउंट्स दिखाए, जिसमें मैंने आप लोग दिखाया था कि 3 लाख रुपए का डिपॉजिट है हमारा और आज 9 लाख रुपए पे अकाउंट करें, 7 लाख रुपए का गेन है, सिर्फ 1 वीक का प्रॉफिट मैंने आप लोगों को दिखाया था, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो मार्केट की वर्थ होती है, अगर आप उसको सीख के चलते हो, उसके रूल्स को फॉलो करते हो, तमाम चीज़ें देख के चलते हो, तो क्या होता है कि वो मार्केट आपको पैसा ज़रूर देती है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें सिखाई। सबसे पहले क्या, नेशनल सेविंग बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न इतना है, उससे ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो रियल स्टेट मार्केट के अंदर आ जाएँ, जहाँ इतना प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद अगर आप उससे भी ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकती है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कैसे, एक तो आप सीख के खुद कर सकते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करें 2.5 से 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने आप सीखें, उसके बाद आप अपने अकाउंट के ऊपर ट्रेड करें। दूसरे नंबर बात है, आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। उसमें यह है कि अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस, या अकाउंट आपके पास होता है, इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, उस पर होता है कि ट्रेड हमारा ट्रेडर करो, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट ट्रेडर मौजूद हैं, जहाँ पे वो ट्रेड करते हैं आपके अकाउंट के ऊपर, उसके ऊपर प्रॉफिट आपका 50-50 कर ले, मतलब मेहनत हमारी होती है, पैसा आपका होता है, प्रॉफिट उससे जो बनती है हम उसको 50-50 कर लेते हैं। इसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, कम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, मिनिमम 5 से 10% तो ईजिली आप महाना निकाल सकते हैं, जो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर इसको मैं सालाना की बुनियाद पर लेके जाऊँ 60 से 70% बनता है। तो जो लोग मालूमात लेना चाहते हैं, डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं अबाउट रियल स्टेट मार्केट, स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मजीद मालूमात भी आप लोगों को मिल सकती है। आप लोग वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।